सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपक गोस्वामी और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज आपके बताए हुए किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से या राजनीति के क्षेत्र के लोगों से हम आपकी बातचीत करवाते हैं। लगातार इस समय जो राजनीति में, विशेष रूप से राजस्थान में जो उठा पटक चल रहा है, उस पर आज हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। और हमारे हजारों लाखों दर्शकों ने हमें ये कहा था कि आज का जो विषय है वो हम भाषा की अभद्रता या भाषा पर जो नियंत्रण खो चुके हैं राजनेता, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं मोहन केसवानी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं राजस्थान के, और साथ ही अन्ना हजारे आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और आप समाज सेवी भी रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं श्रवण सिंह राठौड़ जी, जो कि कांग्रेस विचारधारा के हैं और एक समय में देश के जाने माने पत्रकारों में भी आपका नाम शुमार रहा है। उसके बाद आप राजनीति में आ गए और अब आप कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज जी, जो कि भाजपा विचारधारा के व्यक्ति हैं और समाज सेवी और शिक्षाविद भी हैं। आज आप तीनों हमारे साथ हैं, आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, आपने सम्मान के साथ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले मैं ओपनिंग व्यूज आप लोगों के लेना चाहूंगा, आप एक एक डेढ़ मिनट में अपने ओपनिंग व्यूज रखें, उसके बाद हम जो है ये चर्चा जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं मोहन केसवानी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आ गए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति में भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो कितना उचित है या अनुचित है। उचित तो कहां से ठहराया जा सकता है ऐसी अभद्र भाषा को, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने राजनीति का। एक जमाना हुआ करता था संसद में जब अटल जी बोला करते थे या दूसरे एल के आडवाणी जी बोला करते थे, मनमोहन सिंह जी का भी थोड़ा बहुत जो भी बोलते थे, अच्छे अच्छे नेता हुए, उनकी सभ्यता देखिए, बात करने का सलीका देखिए और आज का स्तर देखिए आप। ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी राजनीति को गुंडों ने कब्जे में ले लिया है अपने, और पूरा बुरी तरीके से देश में राजनीति के स्तर का बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। इस राजनीति के गुंडागर्दी की जो आप बात कर रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, सभी पार्टियां शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको कभी भी इस प्रकार की भाषा का आपको प्रयोग नहीं मिलेगा। आंदोलन करते थे जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको हम लोग सड़कों पर उतर कर चैलेंज जरूर करते थे, लेकिन आज सदन के अंदर आप देखेंगे केजरीवाल जी जब सदन चलाते हैं वहां पे स्पीकर एक उंगली खड़ी कर दे तो कोई हिम्मत नहीं करता बोलने। भाषा की मर्यादा पे हम फिर डिस्कशन करेंगे, किसने किस समय क्या क्या बोला था, ये भी मेरे पास फहरिस्त लंबी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति में जो भाषा की मर्यादा है वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए दीपक जी, आज आपने जो विषय रखा है सिटी लाइव ने और भाषा की मर्यादा वाली बात की है, आपने जो सभी लोगों को यहाँ बुलाया, तो मैंने अब आपने पहला ओपनिंग व्यूज केशवानी जी का लिया, लेकिन जब भाषा की मर्यादा की बात है और एक ऐसे शब्द का, अगर मतलब मैं उस शब्द को दोबारा नहीं बोलूंगा जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, भाषा की मर्यादा पे जब हम बहस कर रहे हैं तो हम खुद भी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि कहने के कई तरीके होते हैं समझाने के, लेकिन आप किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किसी को कहने के लिए उसका बहुत फर्क पड़ता है। अब उन्होंने कैसा शब्द प्रयोग किया था सबने सुना। अब मैं आपको आज के अपने विषय पे, आपने मेरा व्यूज जाना, तो इस वर्तमान परिस्थितियों में जो राजस्थान की हालत, मैं ये कहूंगा कि खारे हसरत बयान से निकला और लगता है कि मुख्यमंत्री जी के दिल का कांटा उनकी जुबान से निकला। आज इस तरह के बयानबाजी करके देश में पता लोकतंत्र की पतन की पराकाष्ठा इसे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप ये बताइए कि किसी भी देश में और राज्य में चुनी हुई सरकार का दायित्व होता है जनता की रक्षा करना। अब नागरिकों की रक्षा, प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, जब आप राज्यपाल को ही धमकी दे देंगे तो आम जनता पे क्या बीतेगी, सबसे बड़ी बात है सोचने की बात है कि भाषा की मर्यादाओं ने किस तरह। मैं श्रवण जी के पास आना चाहूंगा कि आलोक जी ने अभी ये कहा कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके दिल के कांटे की जो आवाज है वो उनकी जुबान से निकली, आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, ये हमारे जो मित्र हैं आलोक भारद्वाज जी, उन्होंने जो बात रखी, मैं लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान होता है, मैं उनकी जो बोलने की अभिव्यक्ति आजादी है उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इनके बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ।
जो भाषा की जिस गरिमा की बात कर रहे हो आप, वो मेरा मानना है कि वो संविधान की मर्यादा से जुड़ी हुई बातें, जब लोकतंत्र के अंदर आपकी जो संविधान की बात है, संविधान की आप लक्ष्मण रेखा को लांगोगे, आप सत्य और न्याय की बात नहीं सुनोगे, तो जो भाषा बोली जाती है तल्ख भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए राज्यपाल ने जवाब नहीं दिया, उससे पहले तो उसको इस तरह की बातें कह दी गई, कानों तक ये बात पहुंचे, इसके लिए भाषा की तल्खी, ताकि जो सत्ता मतलब की जो पहुंचाने का तरीका ये है कानों तक पहुंचाने के लिए, इसका मतलब आप चाहते हैं शर्मन जी वो वक्त भी याद करिए कि इमरजेंसी थी जब जयप्रकाश नारायण जी की भी एक भाषा हुआ 42वां संविधान संशोधन की भी एक भाषा हुआ जी, एक एक करके बोले तक बड़े बड़े नेता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे हैं, दबंग नेता रहे हैं, उनकी भी एक मर्यादा रही भाषा की। देखिए केशवानी जी 42वें संविधान संशोधन ने इंदिरा जी ने संविधान से ऊपर अपने आप को उठा लिया था, और देश का क्या हाल किया था किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं एक विचारधारा के नाते नहीं बोल रहा, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते भी इस बात को कह सकता हूं, और सारी जनता जानती है। आज आप देखिए कि उस समय में देश का क्या हाल हुआ था, आपका हमारा अभिव्यक्ति का, केवल नेताओं का ही नहीं मीडिया का भी, जो भी आदमी हो, जनता का क्या हाल किया था, अपने आप को संविधान था, आज भी उससे कम नहीं है, केवल कांग्रेस ही जिम्मेवार है इसके लिए। भाजपा ने भी जो शोषण किया है राजनीति का, वो भी सब जग जाहिर है, देश का क्या हाल हो रहा है आज पूरी दुनिया देख रही है। जी अभी अभी समय है, अपन पूरी बात करेंगे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, आज हम बैठे हैं श्रवण जी के पास। मैं श्रवण जी आपके पास आना चाहूंगा कि आपने भी सभी बड़े बड़े देश के, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी के साथ आपका संपर्क रहा है, आपने आज से 25 साल पहले की राजनीति भी देखी है, 50 साल पहले की राजनीति को पढ़ा भी है आपने, और वर्तमान में भी आप लगातार राजनेताओं के संपर्क में रहे हैं। एक आज से 25 साल पहले की राजनीति हुआ करती थी, अलग अलग सुखाड़े जी की बात करें या भैरव सिंह शेखावत जी की बात करें या राजस्थान में हम शिवचरण माथुर जी की बात करें, सभी में आपसी जो दोस्ती का भाव था, यानी कि मनभेद नहीं था, मतभेद वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन वर्तमान राजनीति में हम ये देख रहे हैं कि आपसी स्वार्थ, आपसी मनभेद, ये सारी चीजें उजागर हो गई, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं वर्तमान के, वो अपना संयम खोते नजर आ रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दीपक जी बिल्कुल आपने ठीक विषय उठाया, राजस्थान के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया साहब हो चाहे भैरव सिंह शेखावत या अशोक गहलोत, तीन ही ऐसे दिग्गज नेता है जिनको, जिन्होंने सुचिता की सदैव राजनीति की है, जिनका नाम आपने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत साहब का लिया, उनका बड़ा सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। वर्तमान में मैं मानता हूं कि 2014 के बाद में देश के अंदर जिस तरीके से हालात हो गए हैं, जो संवैधानिक संस्थान है, उन संस्थानों को पर जिस प्रकार अतिक्रमण किया जा रहा है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो जो गवर्नर की जैसी जो पद है, जिनका एक संवैधानिक महत्व है, जिनका एक गरिमा है, उस पोस्ट पे बैठे व्यक्ति अगर किसी पार्टी विशेष की अगर दलगत भावना के आधार पे वो एक संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को, शरवण सिंह राठौड़ जी आपने पत्रकार की बात करेंगे तो लोकतंत्र में आप बताइए कोई अपनी बात रखने का, अपने मनवाने का, मैं एक बात शरवण जी से पूछना चाहूंगा, कह रहे हैं कि हम विधान, शरवण जी मेरा एक प्रश्न है, शरवण जी से मेरा एक प्रश्न है, छोटा मानते हैं आप इस तरह की जो भाषा में परिवर्तन, किसका दोष मानते हैं? भाषा में परिवर्तन का मैं ये दोष मानता हूँ कि जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी और जो देश के गृह मंत्री जी है, वो अपनी पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करके पूरे देश के अंदर एक इमरजेंसी की हालत पैदा कर दी है, उसकी वजह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से गिराने का जो षड्यंत्र चल रहा है, बीजेपी के द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आप क्या मानते हैं? क्या बीजेपी गला घोट रही है लोकतंत्र का? देखिए दीपक जी, अब श्रवण जी इस विचारधारा से बात कर रहे हैं तो इसके अलावा और कुछ कहेंगे भी नहीं, कुछ अपेक्षा भी नहीं की जा सकती इस बात के लिए, मैं मानता हूँ ये कुछ पुराने पत्रकार हैं तो इनको ये भी पता नहीं। आप देखिए मैं वही हाँ, तो दीपक जी मैं बता रहा हूँ ना कि लोकतंत्र का, अगर आप बीजेपी लोकतंत्र का गला घोंटती तो जनता बीजेपी को इस स्तर पर समर्थन क्यों देती? जनता क्यों नहीं सड़क पे आ जाती? आप बताइए। नहीं, क्योंकि जनता को पता है, जनता ने राजस्थान की जनता सुनती है, आलोक जी, मेरे विद्वान मित्र आलोक जी, राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत
राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुपूर्ण संपूर्ण बहुमत से सरकार चुनी है। आप किस जनता की बात करते हैं? जब जनता ने मैंडेट दे दिया, जी ने 40 साल में जो सम्मान कमाया था क्या उसको 4 दिन में नहीं खो दिया? जो अशोक गहलोत जी ने 40 साल में सम्मान कमाया था, मैं अशोक गहलोत जी का ऐसा नहीं है, मैं सम्मान नहीं करता, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैंने उन अशोक गहलोत जी को भी देखा है। आज वो अशोक गहलोत जी का है। आज आप सबसे बड़ी बात सुनिए, लड़ाई क्या है? पायलट क्या भाजपा का है मुझे बताइए, 19 विधायक क्या भाजपा के है उनके साथ में, और जो भी मांग हो रही है नेतृत्व परिवर्तन की, क्या मुद्दे पर ही हूँ? बात क्यों भटक रहा हूँ? आप मुझे बताइए, जो असली विषय तो इसी से गरिमा है ना, जो गरिमा को भटका रहा है, असली, जो असली विषय ये है, हो रहा है ना, असली विषय क्या होता है? भाषा, भाषा कब बदलती है? जुबान कब लड़खड़ाती है? जुबान कब लड़खड़ाती है आपके? हमारी जुबान कब लड़खड़ाती है? जुबान तभी लड़खड़ाती है जब कहीं ना कहीं कोई आता है, ऐसा संकट आता है, तो घर के अंदर ही संकट है, उसको तो निबेट नहीं पा रहे, और फिर जुबान लड़खड़ा रही है। संकट को छोड़िए, आप अपने भाजपा की बात कीजिए। कैबिनेट मंत्री आलोक जी, आपके कैबिनेट मंत्री जब फोन करके विधायकों को पैसे देख करके सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल हो, पूरा देश देख रहा है राजनीति की गरिमा, आजादी के 50 साल, आजादी के 50 साल पहली बार इतनी गिरी है। जब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि इसका वॉइस टेस्ट करा दो, अमेरिका के एजेंसी से इसका परीक्षण करवा दो, तब आपको भला क्या दिक्कत आ रही है? जब अशोक गहलोत जी ने ये दावा किया कि मैं अपनी देश में कौन सा राजनीतिक व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, कौन सा राजनीतिक परिवार है, आप बताएं? धनबल की बात करने वाले जरा बता दें कि देश में सबसे ऑडियो नेहरू जी के कपड़े भी लंदन से धुल के आते थे, आप भूल गए क्या? नेहरू जी के कोट तक लंदन से धुल के आते दीपक जी, उनको भूल गए क्या? और राज्यपाल की तो सम्मान की बात है, आलोक जी वर्तमान की बात कीजिए, बीजेपी के पास भी राज्यपाल नहीं है। आप एक बात बताइए, राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्यपाल राज्य के मुखिया होते हैं, क्या ये काम पहली बार हुआ है? आप भूल रहे हो आलोक जी, आप भूल रहे हो, मैं श्रीमान कलराज मिश्र साहब राजस्थान भाजपा के प्रभारी नहीं है, वो संविधान के अधिकार उनको गवर्नर बना के, मैंने ये नहीं कहा, देखिए मैंने कभी नहीं कहा कि राजस्थान भाजपा के प्रभारी है, केरल में क्या किया था आरिफ खान जी? किसे आरिफ खान जी को सीए को बोलने से किसे रोका था केरल में? लेकिन संविधान की, क्योंकि आपने बात की और श्रवण जी ने भी बात की, तो हम मोहन जी से पूछ रहे थे। मोहन जी आप बताइए कि वर्तमान में क्या संविधान का कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है, आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने, आरोप लगाने, दीपक जी इसको बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। केवल भाषा ही नहीं है, आप आचरण को नोट कीजिए, 70 साल 72 साल की आजादी में क्या हुआ है? हम सुना करते थे चुनाव है, मेन फाइट में कौन है साहब? बीजेपी वर्सेज कांग्रेस है, कहीं समाजवादी पार्टी वर्सेज मायावती हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, बंगाल में कम्युनिस्टो वर्सेज कांग्रेस हो रहा था पहले, आज क्या सुनाई में देता है? अभी शरवण जी कह रहे थे 2014 के बाद में संस्थाओं का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, 70 साल से यही होता आ रहा है, तोता भी बोला गया था संस्थाओं को कांग्रेसियों द्वारा ही। अब मैं आप बताता हूं आपको कि हो क्या रहा है। अरे एक हो रहा है ईडी वर्सेस सीबीआई, एक चीज आपके साथ जी, एंटी करप्शन वर्सेस सीबीआई की बात करते हैं, एंटी करप्शन वर्सेस ईडी वर्सेस इनकम टैक्स, अब जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, इन लोगों ने, इन दोनों पार्टियों ने देश का ऐसा बेड़ा गर्क किया है, राजनीति की मानसिकता को इस तरीके से बदला है, ईडी क्या आप भी अब जो है अब ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वो सब नहीं होता, सीबीआई स्वायत्त संस्था है, उन्होंने इतना बुरी तरीके से एक जो है जहर घोला है समाज के अंदर, ये भी जान रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जहां मौका मिले कहीं ईडी बिठा दो, कहीं इनकम टैक्स बिठा दो, जिसके पास जो सत्ता है, जिसके पास जो सत्ता है, सत्ता का गलत बेवजह फायदा हुआ था देश का बड़ा गर्व करने पर तुले नहीं, आज ये इनसे पूछिए, आज इनके जो है विधायक बैठे हैं होटलों में, होता बोलते थे कांग्रेस राज में, ये क्या अपने जेबों से पैसे खर्च करेंगे? एक बात बताओ, सारा बोझ टैक्स पेयर के ऊपर आने वाला है, ईडी और सीबीआई अगर, अरे आने दो ना ईडी सीबीआई को, आप कहीं भी भेजो, अगर आप खुली किताब हो तो क्या करना, कोई भी आएगा पढ़ेगा सूचना उसका लगाएगा, लेकिन अगर जिंदगी कवर में कोई घपला है राज्य सरकार आएगी, वो अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं,
ये भी लगातार दोनों तरफ से आ रहा है कि जो जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सत्ता है वो पब्लिक की कुछ नहीं सोचता। आज कोरोना काल के अंदर देश में त्राही त्राही मची हुई है। ये खाली कुत्ते बिल्लियों का खेल खेल रहे हैं। इधर ईडी छोड़ दो, इधर इनकम टैक्स छोड़ दो, क्या मजाक बना रखा है। मैसेज आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि श्रवण जी से उनका एक सवाल है। ये कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं अभी व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम चल रहा है इस समय, लोग अपने मैसेज भी भेज रहे हैं। उनका ये मानना है कि श्रवण जी, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे एक सवाल है कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार में उनका जब पूरा बहुमत है उसके बाद वो सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, इस बात का जवाब चाहते हैं। यही सबसे बड़ा, यही मेरा प्रश्न है, यही मेरा प्रश्न है। आलोक जी, मैं बिल्कुल एक एक करके आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। ये प्रश्न है बिल्कुल उचित है। थोड़े दिन पहले ही राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये लगातार मांग की गई कि राजस्थान की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार है वो अल्पमत में है, उनको विश्वास नहीं है, विश्वास मत हासिल नहीं है, इसलिए विधानसभा का सत्र बुला करके वो विश्वास मत हासिल करे। तो क्या तो आप कांग्रेस के बीजेपी के साथ चलेंगे क्या? बीजेपी जो कहेगी वो करेगी कांग्रेस? मैं मेरी बात मेरी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मेरे को बात तक आने दे। जब उन्होंने ये मांग की, दूसरी तरफ जो राजस्थान के अंदर जनता द्वारा चुने गए कांग्रेस की जो सरकार है उन विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की, इस कंडीशन में अभी अरे भाई शरवण जी आप खरीदने की बात करते हो, आलोक जी श्रवण जी को जवाब देने दीजिए। हमारे साथ में पार्षद जैन जी भी जुड़ चुके हैं, मेरे विद्वान विचार होंगे। श्रवण जी, मेरा ये कहना है कि जब देश के अंदर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, जब केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री और जो जांच एजेंसियां सब मिल करके, जब मैच का रेफरी ही किसी को जबरदस्ती फाउल करने पर अगर तुल जाए, उस कंडीशन में आप बताइए क्या करे राजस्थान जी। पहले मेरे सवाल लोकतंत्र में, दीपक जी मैं वही बात कह रहा हूँ, लोकतंत्र के अंदर क्या तरीका, लोकतंत्र में ये तरीका कि आपकी सरकार को विश्वास मत हासिल है या नहीं है, तो विधानसभा के सत्र पे अभी कोविड की परिस्थितियां चल रही है, उसमें कोई सरकार बिल लाना चाह रही है, विधानसभा में सत्र बुला रही है, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? माननीय राजस्थान के जो महामहिम गवर्नर साहब है, भला वो क्यों आपत्ति कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं सत्र बुलाना चाह रहे, जब सरकार कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? राज्यपाल ने मना कब किया शरवण जी? राज्यपाल ने मना कब किया? राजस्थान के सारे एमएलए को वहां से जाना पड़ा, मुख्यमंत्री ने मांग की, कैबिनेट ने कब किया? देखो ऐसा नहीं, गवर्नर जी से पूछ लीजिए, राज्यपाल के जवाब के आने से पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया, पार्टी बनकर के काम कर रहे हैं, आप पता करवा लीजिए उनसे कि वो मना, वो क्यों नहीं इजाजत दे रहे विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए? देखिए शरवण जी मैं किसी पार्टी की मतलब शरवण जी आज जो है कि गहलोत जी ने चिट्ठी भेजी है, राज्यपाल जी के पास आज गई है चिट्ठी, है उसका जवाब तो आने दो। राज्यपाल जी के पास ये दोबारा चिट्ठी आज लिख के दिया, राज्यपाल जी के पास ये कैबिनेट से दोबारा पहले अनुमति मांगी थी, पहले चिट्ठी नहीं थी, प्रस्ताव अनुमति ही मांगी जाती है, लोकतंत्र की यही प्रक्रिया होती है। आलोक जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही प्रक्रिया होती है, अनुमति ही मांगी जाती है, विशेष सत्र के लिए अनुमति मांग ली, दूसरी बार जब राज्यपाल ने मना कर दिया तो भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत कैबिनेट ने दोबारा अनुमोदन करके भेजा है, ज्ञान से ही अध्ययन किया है तो बता रहा हूँ, प्रस्ताव पारित हो गया है, उसमें पूरा ब्यौरा लिख के गया है, दो चीजें उन्होंने लिख के आज भेजी है। श्रवण जी से मेरा एक सवाल ये भी है, प्रस्ताव पारित हो गया है, लोकतंत्र की आप लगातार बात कर रहे हैं, कांग्रेस जब लोकतंत्र की लगातार बात कर रही है, तो जो जनता के माध्यम से चुने गए विधायक हैं, उनको होटल में लगातार इतने दिनों से बाड़े बंदी में क्यों बैठा रखा है? अगर आपको अपने विधायकों पे भरोसा है तो उनको खुला छोड़ दीजिए, उनको अपने क्षेत्र में जाकर काम करने दीजिए, उन मंत्रियों को अपने अपने विभागों में काम करने दीजिए, उनको एक होटल के अंदर बंद करके क्यों रखा हुआ है? श्रवण जी, दीपक जी ये आपने बिल्कुल ठीक विषय उठाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी कह चुके हैं कि विधायकों को होटल में रखना बड़ा दुखद है, परिस्थितियां ऐसी बना दी गई। मुझे बात रखने दीजिए आलोक जी, एक बार मुझे बात रखने दीजिए, आप अपना पक्ष समय आए, आप भी अपना पक्ष दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक बार बात, आप जब बोल रहे तो मैं सुन रहा था, आप भी सुनने की आदत, यही तो दिक्कत है भाजपा वालों की, सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बात ही बोलते हैं, लोकतंत्र में तभी जब हम तल्क आवाज में बोलते तो आपको बुरा लगता है, उनको लगता है कि आप भाषा आलोक जी आप शांत रहिए, श्रवण जी को बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। दीपक जी,
होटल में विधायक को इसलिए रखा गया, विधायक राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी पैदा की कर दी गई है राजस्थान के अंदर, विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, अशोक गहलोत जी के बदर के बाद छापे पड़ रहे हैं, विधायकों को पूरा ट्रस्ट है, लेकिन हमारे को जो केंद्र सरकार है उनका जो दुरुपयोग है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जब बड़े बड़े लोग पद का दुरुपयोग करके, डरा करके, धमका करके सरकार को गिराने की साजिश करे, जिसके सच्चाई पूरा देश जान रहा है, सारे ऑडियो टेप सामने आ गए, जब कांग्रेस के कुछ ऐसे चेहरों को जिनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा थी उनको आपने मोहरा बना करके, आपको लगा कि जो मध्य प्रदेश में आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कार्ड, सिंधिया साहब को कार्ड बना करके खेला, आपका गेम सफल रहा, आपको लग रहा था कि राजस्थान में भी ये षडयंत्र करेंगे, लेकिन यार उन्होंने बेनकाब किया पूरे देश के सामने, आपकी सच्चाई, आपकी पोल थी, आपकी असलियत है पूरा देश देख रहा है, राजनीति में ऐसा नंगा नाच कभी नहीं हुआ, पूरा देश आज हकीकत जान गया है कि भाजपा के बड़े नेता केंद्र सरकार मिलकर के राजस्थान के अंदर चुनी हुई सरकार को इसलिए कोशिश की थी, लेकिन बाबा वेश में आप भी बोलते जा रहे हैं जैसे श्रवण जी, में मेरी छोटी सी बात है, आपने जो मेरे सवाल का जवाब दिया है इसका हम ये मतलब समझे कि केंद्र में जो सरकार है बीजेपी की उसके भय से आपने अपने विधायकों को होटल में बंद कर रखा है, विधायक स्वेच्छा से स्वेच्छा से ठहरे हुए हैं, कोई जबरन नहीं है, वहाँ दिल्ली में जैसा कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, सारे स्वेच्छा से फाइव स्टार होटल में रह रहे हैं, उनका परिवार वहाँ आ जा रहा है, अपनी स्वेच्छा से वहाँ बैठे हैं, सब स्वेच्छा से फाइव स्टार होटल में देख रहे हैं, विधायकों को जनता की चिंता नहीं है, अपनी मर्जी से आनंद कर रहे हैं, पूरे पूरे आनंद कर रहे हैं, जनता कोविड में परेशान है, कोविड में वो जनता कोविड मा लेंगे, राजस्थान के कोविड महामारी में राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार में देश में सबसे शानदार काम किया है, जिसकी प्रधानमंत्री खुद प्रशंसा कर चुके हैं, ऐसी परिस्थितियां के अंदर केंद्र सरकार का दायित्व में था, बड़े भाई आलोक जी एक मिनट, शरवण जी रिकवरी रेट कितना है राजस्थान में, देखो रिकवरी के राजस्थान के देखिए उसको छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा रिकवरी रेट जिस शहर का वो है दिल्ली, 87.4% शरवण जी आपने दिल्ली सरकार के अच्छे कामों को गिनाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, शरवण जी आपको मेरे सलाम सुन लीजिए, प्रधानमंत्री शरवण जी आप सुन लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरवण जी, आपने अरविंद केजरीवाल जी के अच्छे कामों को गिनाया आज इस चैनल पे बैठ के, मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी आपका मंच नहीं है, आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, केशवानी जी आपका मंच नहीं है, आप केशवानी जी एक बात विषय में हम रहे, हाँ तो देखिए हमने दीपक जी यहाँ आने से पहले टीवी पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी को सुना और उन्होंने क्या बोला कि साहब जो 6 साल में काला धन इकट्ठा हुआ है ना उससे ये सब कुछ हो रहा है ना, अब आप एक बात देखिए, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, आप ऐसे अगर मैं किसी शादी में देखिए जैसी जिसकी नियत होती है ना आदमी की जुबान से वही चीज निकलती है, मैं किसी शादी में जाऊंगा तो देखूंगा भाई मिठाई क्या बनी है, ठीक है मेरा स्वभाव है, मैं मान रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, अब 6 साल के काला धन के वो कह रहे हैं रघु शर्मा जी, उनसे पूछे कि इतने सालों तक देश में शासन कर दिया तो धन वाली नियत है उनको आ गई, आप इतनी सी बात कह रहा हूँ, अभी हम बात कर रहे थे कोरोना की, उन्होंने क्या बताया था, पत्रकारों ने लिखा, आलोक भारद्वाज नहीं कह रहा, शरवण जी पत्रकार रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रिका नहीं राजस्थान ने लिखा कि 600 रुपए एक आदमी का कोरोना में क्वारंटाइन में खाना बताया गया, यानी कि 4 व्यक्ति मजदूरों का परिवार रोज के 3000 रुपए खर्च करेगा, एक महीना खाना खाने के लिए एक परिवार को 1 लाख रुपए कमाना है, अब आप बताइए कि जिसमें वो ये कह रहे हैं हम तो सामान्य खाना खिला रहे हैं, इस तरह का बजट बना के इन्होंने साफ किया सबको बता रखा, तो फिर एक बात बताओ आप काला धन और पीले धन की बात कर रहे हैं, भाजपा जो है पता नहीं इनके आईटी से क्या काम करती है, आईटी का नाम है फजीलाता सिस्टम है, पूरे देश के अंदर कोविड महामारी फैली थी, आप देखिए आपके शिवराज सिंह शपथ ले रहे थे, आपको तो इस लोकतंत्र से जनता से क्या भाई, मेरे को तो ये बता दो शरवण जी 600 रुपए रोज का खाना आपका खर्चा है, मेरे को एक व्यक्ति का 600 रुपए हमारी में हम और चर्चा कर रहे हैं, शरवण जी शरवण जी एक सेकंड, हमारे साथ देश के समाज सेवी हैं पंचशील जैन साहब जो भी जुड़ चुके हैं, पंचशील जी आपको मेरी आवाज आ रही है,
नमस्कार, आपका सिटी लाइव में हार्दिक स्वागत है। हम अभी लगातार आप थोड़े देरी से जुड़े, हम चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान जो राजनीति है उसमें जो भाषा का स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि क्या राजनेता ऐसे होते हैं, क्या देश को चलाने वाली जो सरकार है वो इस तरह की होती है, क्या केंद्र में जो सरकार है, राज्य में जो सरकार है, उनका जो भाषा का स्तर है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता जा रहा है, हम क्या दे रहे हैं हमारे आज के युवा? देखिए, जो भाषा का स्तर अभी देखा, ऐसा कभी नहीं देखा जी, खास करके गहलोत साहब ने जो भाषा अभी जो उपयोग में ला रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कभी गहलोत साहब से ऐसा हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो इस तरह से राजनीति की जो आज जो स्थिति है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लोकतंत्र अब धन तंत्र में बदल गया है, लेकिन मैं इससे आगे कहूंगा कि लोकतंत्र अब अपराध तंत्र में बदल गया है। हर अपराधी के राजनेताओं के साथ संपर्क रहते हैं, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, कोई दूध का धुला तो है नहीं, सभी के अपराधियों से संबंध है, सभी खरीद फरोख्त भी होती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जो टेप आई है उसमें ये बोल रहे हैं कि टेप का सोर्स क्या है ये बताओ, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ये टेप गलत है। मैंने ये कभी एक भी नेता ने जिनका उसमें इन्वॉल्वमेंट है ये नहीं कहता कि ये मेरी भाषा नहीं है, ये टेप गलत है, ये नहीं कहते। ये बोलते हैं कि हमारा सोर्स कहाँ है, ये कैसे आई, ये किसने की। लेकिन ये बात सही है कि वो टेप की भाषा जो है उनकी आवाज मिलती है, तो इससे ये साबित होता है कि खरोद फरोख चल रही है और इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। और ये देश की जो आज राजनीति की जो स्तर हो गया है जी, ये राजनीति का जो नंगापन हम देख सकते हैं, इतने दिन पहले लोकलाज थी, हम कुछ भी करने से पहले लोकलाज होती थी, आज लोकलाज भी खत्म हो गई है। जिस तरह से जिस होटल में ये रुके हैं वहां रेड हुई, जिस तरह से गहलोत साहब के यहाँ जो रेड इनकम, आज क्या कोई कह सकता है कि इनकम टैक्स और आईबी और सीआईडी सब सीबीआई सब फ्री है जब राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये कोई कह सकता है जी? ये निश्चित हो गया है, अब तो ये प्रमाण मिल गया है कि राजनीति में ये सारी जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको राजनीति में घसीट लिया गया है। ये कोई नहीं कह सकता। अगर अगर आप साफ हो, आपके पास कोई गलत नहीं है, आपने वो अभी कर दिए, तो बस वही आ गई जिस समय में ये हुई है। अरे भाई, इस लेवल की आवाज जाएगी, आप सोचो क्या कहां जा रहा है। एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि ये जो खर्चे हो रहे हैं होटलों में, जो यहाँ पे गहलोत साहब जिन 100 लोगों को रोक रखा है, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, समझ लीजिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देगी। क्या सचिन पायलट साहब के पास में इतने पैसे हैं कि वो दिल्ली के 5-7-10 लाख रुपया जो वो खर्च हो रहे हैं, क्या सचिन पायलट साहब वो खर्चा कर रहे हैं? कौन वो खर्चा उठा रहा है उन होटलों का, वहां पे खाना पीना रहना का खर्चा कौन उठा रहा है, ये कोई बता सकते हैं? ये श्रवण जी बता सकते हैं, एकदम ईमानदार व्यक्ति है, मैं जानता हूँ उनको। श्रवण जी हमारे साथ हैं, जैन साहब ने वो ईमानदार है, सही बात। लेकिन वो कैसे इतना खर्च उठा रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं। जैन साहब, पंशील जी, पंशील जी, आपके सवाल का जवाब श्रवण जी देंगे। श्रवण जी, पंशील जी ने सवाल उठाया है कि जो होटलों में आपके विधायक बैठे हैं, इनका जो प्रतिदिन का लाखों रुपए खर्च हो रहा है, क्या ये कांग्रेस पार्टी देगी? और लगातार वहां पर जो सरकारी अमला लगा हुआ है, जो उनकी सुरक्षा में पुलिस का बेड़ा लगा हुआ है, उनके जो सारे खर्चे हैं वो क्या, कहां, क्या सरकार देगी या कांग्रेस पार्टी देगी? आदरणीय जैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, आदरणीय पंशील जैन साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सलीके से अपनी बात रखी, उन्होंने सारे बिंदुओं पे उन्होंने रखी। मैं निवेदन करूंगा जैन साहब की, बिल्कुल आपने कहा कि ये जो सारा खर्चा कौन उठा रहा है, अशोक गहलोत जी खुद कह चुके हैं कि राजस्थान के होटलों में अभी जो रुकवाया गया है उसका कांग्रेस पार्टी खर्चा उठाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो दिल्ली के होटलों में 19 विधायकों को आपने हरियाणा सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार उनकी मेहमान नवाजी कर रही है, उनका सारा सारा उनका खर्च कहाँ से आ रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उनके, जिस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो सारा पीछे कौन कर रहा है, ये वो भी आपके विधायक हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। श्रवण जी, भारतीय जनता पार्टी ने कोविड पीरियड के दौरान पैसे आए, प्रधानमंत्री केयर फंड है, उसके पैसे हैं, हमारा आरोप है मेरा सीधा साधा कि प्रधानमंत्री केयर फंड का इसलिए हिसाब नहीं दिया जा रहा है, उन पैसों से सरकार को गिराने की ये साजिशें चल रही है, उन्हीं पैसों से आप दूसरे राज्यों के जो विधायक है उनको खरीद रहे हो, आप उनको प्रलोभन दे रहे हो,
30-30 crore रुपए क्या होगी राजनीति की दीपक जी, दीपक जी अब मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। प्रधानमंत्री के फंड का पैसा है, श्रवण जी पहले आरोप लगाना इनका अधिकार है और ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है आरोप लगाएं, इनको बोलने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आरोप लगाएं, आरोप के लिए मना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इन्होंने कहा कि ये वो, जैसा आपने कहा था, खुद सचिन पायलट सारे इनके विधायक कह चुके हैं कि हम कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ी। अरे भाई वो आप ही के घर के लोग हैं, आप धक्का मार रहे हो उनको आपके घर के, तो कम से कम अपने घर के लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि नहीं साहब पड़ोसी पकड़ रहा है तो आप अपने घर वालों को तो बचाओ। कह रहे हैं नहीं हम तो अपने घर के हैं, बाहर निकल। आपने कल बीजेपी भी अपने पुराने, अब बीजेपी भी अपने पुराने जो लोग हैं उनको भूलकर कांग्रेस को गले लगाने में क्यों लगी हुई है आलोक जी? दीपक जी ऐसा नहीं है, दीपक जी देखिए सच्चाई है आपको ही बता देता हूँ कि आप बीजेपी वाली बात नहीं कर रहे, अभी हम जो राजस्थान के आप विषय में कर रहे हैं। एक लाइन और कहूंगा, वसुंधरा जी कहाँ है आलोक जी? हां मैं बता रहा हूं आपको, वसुंधरा जी कहाँ है इस पूरी पिक्चर में? वो पूरी पिक्चर में वसुंधरा जी सुन लीजिए, बोलिए शरवण जी देखिए आश्चर्य इस बात का है, ऐसा है मैं आ रहा हूँ इनका इनके साथ झगड़ा है। केशवानी जी पहले सुन लीजिए, केशवानी जी सुन लीजिए, आज सुबह की बात बता रहा हूँ दीपक जी। मेरे ही सामने श्यामनगर थाने की चेतक ने एक कबाड़ी का चालान काटा मेरे घर के बिल्कुल सामने, मास्क नहीं लगा रखा था, 200 रुपए का चालान काट दिया उसका, ठीक है साहब कट गया। आप एक बात बताओ, एक कबाड़ी बेचारा गरीब उसका चालान कट रहा है और खुलेआम मुख्यमंत्री ने कल क्या हालत थी, चैनल दिखा रहे थे सब कुछ, कितने लोगों ने मास्क पहने हुए थे? पहले श्रवण जी के सवाल का जवाब दीजिए मेरे को, क्योंकि हमारी जनता जानना चाहती है। सवाल पूछा था फंड का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? केयर फंड का पैसा है, केयर फंड का हिसाब क्यों दे रहे हो? पीएम क्यों छुपा रहे हो? पारदर्शिता क्यों नहीं? आप एक बात बता दो, कौन से विधायक श्रवण जी के सवाल का जवाब दे रहे हो? तो मैं दे रहा हूँ ना श्रवण जी के सवाल का जवाब, पैसों का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? जनता का पैसा जनता के लिए खुली किताब है, आप चाहो ना नरेंद्र मोदी के आगे पीछे सिर्फ देश की जनता है, उनके आगे पीछे और कोई नहीं है। जो संचय की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के दिमाग में 24% वोट मिले हुए देश की जनता का नाम उनके आगे पीछे, तो अडानी और आप सुनिए आ जाता हूँ। आप बात कर रहे हैं पीएम केयर फंड का बंदा जो है देश के ही काम में आ रहा है, वो सब चीजें जब आप चाहे तो बाद में जांच भी करा लीजिएगा। मेरा एक सवाल मोहन जी से भी है और वही सवाल मेरा पंचशील जैन साहब से भी है। मेरा सवाल ये है क्योंकि लगातार हमारे दर्शकों के जो संदेश आ रहे हैं व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं उनमें से भी मैं कुछ सवाल ले रहा हूं क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि वाकई ये आम जनता के जो सवाल हैं वो अच्छे हैं तो मैं उनको भी हमारे कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूं। लोगों को ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आम जनता जो है लगातार पिसती जा रही है, आखिर क्या कारण है कि जो तीसरी पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट है वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? क्या उनके पास भी कहीं ना कहीं सोच की कमी है? क्या उनके पास कहीं ना कहीं शक्ति की कमी है तो वो लोगों को प्रभावित क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं आपको जी पहले आपके पास आऊंगा और उसके बाद मैं पंचशील जी के पास आऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अंदर की बात तो ये है, केवल टीवी चैनलों पर दिखाने के लिए ये दो पार्टियां हैं मिले हुए अंदर से। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से राजनीति मुड़ती है और जिस तरीके से आप लीजिए 350 कितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें से पुराने कांग्रेस के कितने, मैं आपके बीच में नहीं बोलना था लोग, आप सब शांत आपके निवेदन करता हूँ, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच आप अगर पूरे सांसदों का विधायकों का सबका एक डेटा तैयार कीजिए, आप आम आदमी पार्टी कभी कभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी तो अभी नई नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो राजनेता बच्चे हैं अभी नए नए आए हैं मैदान में, अभी वो संजय चालबाज हैं ये नहीं जानते हैं, केजरीवाल बैठे हैं जो सत्ताओं में, केजरीवाल के बच्चे हैं, सुनिए राजनीति में अभी नए नए आए हैं कोई बड़ी बात वो ये सारी चीजें नहीं समझते हैं, ये सारी ये शातिरबाजियां वो केजरीवाल जी नहीं जानते, बहुत सीधा सीधा साधा सा पॉलिटिशियन है, ईमानदार आदमी, ये चीजें हो जाएंगी सारी
वो नहीं नहीं वो नहीं समझते ये सारी शातिरबाजी है, वो बहुत सीधा साधा एक ईमानदार आदमी है, सच्चे राष्ट्रभक्त है, सीधे साधे आदमी, ये सब चालबाजियां नहीं समझते। दोनों पार्टियां मैं दावे से कह सकता हूँ एक ही पार्टी है, आपस में मिलके ट्यूनिंग चला के चलते हैं, कहीं यहाँ सत्ता गिरा दी तो कांग्रेस के निकल के बीजेपी में, कहीं दूसरी जगह सत्ता गिरानी है बीजेपी के निकल के कांग्रेस में। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए आप, पूरे देश में कितने सांसद हैं बीजेपी और कांग्रेस के, भाजपा से गए हुए कांग्रेस में कितने, कांग्रेस से आए हुए भाजपा के कितने, ट्यूनिंग बिठाकर चलते हैं, ये देश को बेवकूफ बना रहे और आपके मिलकर तो खाली देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। टीवी डिबेट्स में एक दूसरे को गालियां बकते हैं, आप मेरे को एक चीज बताइए, टीवी डिबेट्स में भाजपा वाले कांग्रेस को चोर बताते हैं, चोर वाले उनको ऑस्ट्रेलर बताते हैं, क्या है की भाजपा की पार्टी खड़े करने वाले योगेंद्र यादव जी, हम लोग अगर भाजपा की पार्टी को खड़े करने वाले योगेंद्र यादव साहब और मैं, हमें और जो है नेताओं की हमारा उसमें फर्क क्या रहा है। मैं पंचशील जी के पास जाना चाहूंगा, पंचशील जी क्योंकि देरी से भी जुड़े थे, उनकी बात पूरी नहीं आ पाई थी। पंचशील जी मैं पंचशील जी मेरा सवाल आपसे ये है, जो कि मैंने पहले मोहन जी से भी किया था, कि लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में चल रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और लेकिन तीसरी जो पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, वो राष्ट्रवादी पार्टी क्यों नहीं हो सकती, वो पूरे देश में अपना परचम क्यों नहीं फहरा सकती, अगर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो ठीक नहीं लगती जनता को, तो क्या आखिर ऐसा कारण है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो आगे नहीं आ पाती। दीपक जी, ये हमारा दुर्भाग्य है राजस्थान में कि दो ही पार्टियां हैं और तीसरी पार्टी नहीं आ पा रही है, उसके वही कारण जानना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं आ पा रही। बहुत सारे कारण हैं, आज की डेट में एक राजनीतिक पार्टी को खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है, जनता का विश्वास जीतना जी, क्योंकि विश्वास से एकदम खत्म हो गया है। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि ये जो पार्टियां दो बारी बारी से आ रही है, ये जीत के नहीं आ रही है, जनता हरा रही है। अगर गहलोत साहब इतने ही अच्छे थे तो दो बार क्यों हारे, जनता ने उसको क्यों हराया उनको? अगर वसुंधरा जी इतनी अच्छी थी तो जनता ने हराया क्यों? जनता हराने के लिए वोट दे रही है। मैं पिछले 30-25 सालों से मैं देख रहा हूं, जनता एक को हरा रही है, दूसरा आ जाता है, दूसरे को हराती है, पहला आ जाता है। ये जनता हरा रही है, जिता नहीं रही है। ये ऐसा अगर गहलोत साहब ये बोलते हैं मैं जीत के आया हूं तो ये गलत बोल रहे हैं। जनता ने वसुंधरा जी को हराया है इसलिए ये बिल्कुल सही का, और इनको हराएगी वसुंधरा जी आ जाएगी। आपने भी एक पार्टी का निर्माण किया था, उस पार्टी का क्या हुआ? मैंने किया और मैंने करके मैंने ये देखा कि इतना ज्यादा मुश्किल है कि आज की डेट में राजनीति बिना धन के नहीं चल सकती, ये धन तंत्र में बदल गई है। क्यों? एक अपराध तंत्र में बदल गई है। आपकी राजनीति में आना चाहे, लोग उसको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग ऐसे व्यक्ति को आरोपित कर रहे हैं, निश्चित कर रहा हूँ, जनता की समझ, जनता को समझना पड़ेगा। जनता को आरोपित कर रहे हैं, जनता अपराधियों को वोट दे रही है, जनता अपराधियों के जयकारे लगा रही है, और जानते हुए कि ये हमारा नेता, आप किसी भी क्षेत्र में मेरे साथ चले जाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि वो जनता कहेगी हाँ ये नेता ईमानदार नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में मेरे साथ चलिए, ईमानदार नए होते हुए भी उसको वोट देती है, उसको मालाएं बनाती है, उसके जयकारे लगाती है। कोई ईमानदार नेता आगे आएगा तभी तो मैं निश्चित कर रहा हूं जनता अपराधियों का साथ। दीपक जी ने आप कही ना, आपको अगर ऐसा लगता है तो आप आगे आइए, अच्छे लोग आगे ही नहीं आएंगे तो वोट तो उन लोगों के पड़ेंगे जो पहले नेता बने हुए हैं। लेकिन जो आदमी निष्काम भाव से समर्पण भाव से आगे आए, विश्वास कैसे करे? कुल मिलाकर राजनीति में इतना भयंकर खौफ पैदा कर दिया गया है, सत्ता का भय लगा है, ऐसा खौफ पैदा कर दिया गया है कि जो ईमानदार शरीफ आदमी बेचारा डर के मारे आना ही नहीं चाहता राजनीति। गाड़ियां नहीं हो उसके पीछे, पूरा उसके जयकारे लगाने वाले उसके लोग नहीं हो, जब तक उसको नेता मानने के लिए तैयार नहीं। ये मैंने मेरा जैन साहब ऐसा नहीं है, धन बल और बाहुबली अगर आपका वैचारिक बल और नियत आपकी अच्छी है तो वो सबसे बड़ा होता है, धन बल और हमारे जो विषय है उससे भटके नहीं, हम हमारे विषय पर वापस आ जाए। हमारा विषय ये था, एक बात आपको कहना चाहता हूँ जी जी, कि जिनका झगड़ा है सचिन पायलट जी का, वो तो सामने आ ही नहीं रहे हैं, और ये झगड़ा कांग्रेस और बीजेपी का चल रहा है, तो ये वाकई में झगड़ा किसका है? क्यों सचिन पायलट साहब सामने क्यों नहीं आते हैं? कोई झगड़ा का है, झगड़ा तो असली बात है। हम यहाँ पर यही चर्चा करेंगे कि जो हमारी भाषा है, जो हमारी शब्दावली है, उसका अब हम भटकते क्यों जा रहे हैं, हमारे शब्दों से भटकते क्यों? जो गहलोत साहब ने जो 20 साल 25 साल 30 साल पहले भी नेता हुए थे, ये बहुत ही छोटा शब्द है, ये किसी के लिए भी नहीं कहा जा सकता। मैं बीच में मैं इंटरवीन करूंगा पंचशील जैन साहब, गहलोत साहब ने कहा ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, किसी भी परिवार के अंदर जो परिवार का मुखिया होता है
राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जी ने 45 साल बीता है उस पार्टी में जिस समय गहलोत सब मुखिया कौन है सचिन पायलट संगठन के मुखिया है परिवारवाद की पार्टी है मेरी मेरी पार्टी मेरी, मेरी है। मुझे एक बार मुखिया सचिन पायलट थे आपके आलोक जी एक बार सवाल रखो फिर आपसे जवाब ले लूंगा भारद्वाज साहब मुझे एक बार बात रखनी दी जाए जी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी को 45 साल राजनीति करते हुए हो गए हैं ठीक है जिस समय अशोक गहलोत जी राजस्थान की राजनीति के अंदर एंटर हुए थे उस समय सचिन पायलट साहब के फादर राजेश पायलट साहब उनके साथी रहे हैं और गहलोत साहब ने खुद ने कहा कि जिस समय वो पायलट साहब सचिन जी के घर जाते थे उस समय मात्र 3 साल के थे उस समय लेकिन तो उनके सामने उनका जन्म हुआ नेता के लिए इस तरह के शब्द करना कितना उचित है ये बताइए मेरा 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 आपसे ये कहना है एक कांग्रेस ये घर की बात नहीं है कांग्रेस पार्टी इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो पब्लिक में दिए हैं मीडिया में दिए हैं ये घर की बात नहीं है आपकी बात कह रहा हूं जैन साहब की बात होती तो आपकी बात नहीं आती जैन साहब मैं आपकी बात से कह रहा हूं कि संगठन का मुखिया कौन है कांग्रेस कांग्रेस पार्टी संगठन के मुखिया सोनिया गांधी जी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन सब ने अलग अलग दायित्व दे रखा है हर कार्यकर्ता राज्य का मुखिया कौन था राज्य का मुखिया कौन था साहब राज्य का मुखिया कौन था आप अपने भाजपा की पंचायत की मेरे को बात रखने दीजिए एक बार फिर आप अपने बात विषय रख लीजिए मेरा ये कहना है एक जाइए का जवाब दे दो आपका मुखिया कौन था उस समय राज्य का मुखिया कौन था कांग्रेस पार्टी का मुखिया कार्यकर्ता है हमारे यहाँ आपकी तरह नहीं है कि जो वहाँ नागपुर से रिमोट से सब सरकारें चल रही है कांग्रेस वगैरह की कोई वैल्यू नहीं है साधारण कार्यकर्ता ही होता है कांग्रेस अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष भावना के अनुरूप कांग्रेस अध्यक्ष है उनकी भावनाओं के अनुरूप चलते हैं लेकिन बीजेपी बीजेपी के बहकावे में आके सचिन पायलट साहब और उन्होंने जब कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष बहकावे में आएगा परिवार वरिष्ठ पत्रकार है आप कह रहे हैं अध्यक्ष बहकावे में आ गया आपने तो इतना आप जैसे व्यक्ति से ऐसी चीज आपके आपकी सोच ऐसी हो गई अध्यक्ष बना लिया इतनी बड़ी पार्टी ने बिल्कुल इसी वजह से उनको पार्टी ने लक्ष्मण रेखा तभी मुख्यमंत्री जी ने जनता के चुने हुए सम्मानीय सदस्यों को बकरा कह दिया भाषा की बराबर इसीलिए आप आ रही है समझ में उन्होंने बकरा मंडी नाम दे दिया इनको बकरे परिवार का मुखिया होता है वो अपने पिता होता है बेटे की गलती पे डांटने का अधिकार है और अशोक गहलोत जी ने एक परिवार में पिता की भूमिका से ही जब सचिन पायलट साहब की सोनिया गांधी माता जी है अशोक गहलोत जी पिता जी देश में सोनिया गांधी जी कांग्रेस की माता जी और राजस्थान में अशोक गहलोत जी पिताजी ये क्या दिया कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के अंदर जो 45 साल की राजनीति है वो उम्र के अंदर आपके पिताजी और मेरे पिताजी की उम्र में बराबर है इस नाते कांग्रेस पार्टी में हमारे भारतीय जो संस्कार है संस्कृति है उसमें जो अपने से उम्र में बड़ा होता है मान सम्मान होता है समय की भी समान ही रहे सचिन पायलट साहब खुद कह चुके कि वो उनके पिता की उम्र के बराबर है पिता के समान सम्मानित है जब ऐसा व्यक्ति परिवार में कोई गलती होने पर डांट फटकार सकता है तो आपको इसमें पंचायती करने की क्या जरूरत है भाजपा कौन होती है जब कांग्रेस के आंतरिक मामले बोलने वाले शर्मा जी इसमें अभी पूरे प्रकरण में एक लाइन दीपक जी एक मिनट एक लाइन क्या करूंगा इनसे कह रहा हूँ की धुआं जो अभी आपका कुछ घरों से निकल रहा है अभी तो आपको लग रहा है राजस्थान कांग्रेस की हालत ये हो रही है ना इन्होंने जिस तरह का माहौल कर दिया ना कांग्रेस क्या हमेशा बढ़ती है आप कांग्रेस जी बनने जा रही है कांग्रेस आई बनी थी अब कांग्रेस जलोत हो रही है राजपा रणदीप जी और ये सब मिलके तो धुआं जो कुछ घरों से निकला है ये पूरे शहर पर नहीं छा जाए तो कहना भाजपा ये कह रही है कि उनकी गलती नहीं है बीजेपी ये कह रही है कि उनकी गलती नहीं है तो क्या फिर आम जनता की गलती है जो उन्होंने विधायकों को चुनके विधानसभा के अंदर भेजा आम जनता इसके लिए गलत है मोहन जी क्या कहना चाहेंगे आप मैं फिनिशिंग टच देना चाहूंगा इस लीड से हटके मैं एक बात करना चाहता हूँ नहीं मेरे एक सवाल का पहले जवाब यही है गलती है क्या उन्होंने गलत लोगों को चुनकर भेजा है विधानसभा लोगों के पास विकल्प कहाँ है अच्छे आदमियों को राजनीति में आने नहीं दे रहे दोनों की सांठगांठ है इन पार्टियों की इन्होंने अपनी सत्ता को इस तरीके से जमाया है इस शतरंज के पिसाब को इस तरीके से बिछाया है कि दूसरा कोई आ नहीं पाए और जो है आज जैसे आज सारी सारी बातें गवर्नर साहब के ऊपर जा रही है इसके ऊपर भी मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं गवर्नर का जो पद है 40% अपराधी है जहाँ लाखों सदस्य पार्टी के बनते हैं आप अगर इसमें उठा लेंगे मीडिया पे मत जाइए मीडिया जो है
कुछ किसी को डिफेम करने के लिए अगर कुछ करता है तो हम उसे अपराधी नहीं मान सकते। वोट्स में कितने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है अपराधी साबित हो गए? आप में और गहलोत जी में क्या फर्क है? आप मेरे को बता दीजिए क्या एक भी आदमी कोर्ट में साबित हो गया आम आदमी पार्टी का कोई जो एमएलए है? आप कैसे अपराधी कह सकते हैं? हाउ कैन वी बी सो जजमेंटल अबाउट एनीथिंग? मैं आपको अपराधी पे अलग से डिबेट कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो आपको बिल्कुल नहीं, आम आदमी पूरी आम आदमी पार्टी पूरी अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करती है हर चीज की। अगर राजनीति में आना है तो आपराधिक मुकदमे पहले अपने ऊपर दर्ज करवाएं, बिल्कुल नहीं राजनीति में आए, बिल्कुल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सब खुद ही पूरे देश के सामने ऐसा उदाहरण पेश कर चुके हैं। उनका आप चरित्र देख लीजिए, उनका रिकॉर्ड देख लीजिए, गुजरात में उन पर किस तरीके से मुकदमे रहे। वो भाजपा के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए उसके बाद मोहन जी पीछे क्या रहता है, फिर उनके पार्टी का सिलेक्शन आप देश में आपको क्या संदेश देना चाहिए? अब देखिए चलिए, समय की सीमा है, मुझे समय का ध्यान रखना है और चलते चलते सबसे पहले मैं पंचशील जैन साहब के पास आना चाहूंगा अपने फाइनल व्यूज के लिए, अपनी फाइनल बात रखने के लिए। फाइनल व्यूज पहले देना चाहूंगा दीपक जी के पास आऊंगा सबके पास, मोहन जी आपके पास भी आऊंगा। सबसे पहले मैं पंचशील जी के पास आना चाहता हूँ। पंचशील जी आप बताएं, जो वर्तमान में नेताओं ने जो भाषा की मर्यादा को ऊपर टांग दिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही बुरा लगा मेरे को कि जिस भाषा का अभी उपयोग किया जा रहा है ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे, खास करके गहलोत साहब से ऐसी भाषा का राज्यपाल के लिए या फिर सचिन पायलट के लिए, विरोधी हो सकता है लेकिन इस तरह के शब्द हम सोच नहीं सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। और राजनीति में अगर स्वच्छता नहीं आई तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता जी। ये सभी पार्टियों को मिलकर सोचना चाहिए कि हम राजनीति में अच्छी सेवा करने वाले देशभक्त ईमानदार लोगों को लाएं, ये कोई भी पार्टी नहीं सोच रही है। जिन पार्टियां अभी जो पावर में है, जो कुछ कर सकती है, अगर ये सोचे कि हम देश के लिए अच्छे लोगों को आगे लाएं, आजादी के टाइम में हमारे जो नेता थे हमें गर्व होता था, एक एक नाम लेते हैं तो गर्व होता है, और आज जो नेता है हमको शर्म फील होती है, हर नेता के ऊपर गंदे से गंदे आरोप है। ठीक है बिल्कुल, तो हम चाहते हैं राजनीति, ये जो हमारी पार्टियां ये कृपा करके देश में अपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट नहीं दे, हम ये चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों से। अगर ये देश का भला चाहते हैं तो पार्टी होनी चाहिए, पार्टी के जो नेता हैं वो स्वच्छ विचारधारा के होने चाहिए और गलत भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। मोहन जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने फाइनल व्यूज के द्वारा? देखिए ये सारी बातें काफी अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फसाद की जड़ तक भी जाना जरूरी है। मैं एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने से एक गवर्नर की पोस्ट क्यों बनाई गई थी? आप वर्तमान में आइए ना, वर्तमान की बात कीजिए, क्यों बनाई गई थी, क्या बनाई थी, इसके पीछे पूरा एक लंबा इतिहास है। पोस्ट थी हमारे देश की आजादी के बाद में, उसको सुनिए, एक पोस्ट बनाई गई थी यहाँ की लूट का पैसा इकट्ठा करके उसके माध्यम से बाहर भेजने के लिए। वो हमारे संविधान में एक संवैधानिक पोस्ट को कंटिन्यू किया गया और आज वो एक पॉलिटिकल पोस्ट बन के रह गई है। मैं बिल्कुल खुला कह रहा हूँ, जितने भी गवर्नर्स बने आप देख लीजिए किसी ना किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन होता है। एक मैं नई डिस्कशन छेड़ना चाहता हूं आपके सामने, आपके चैनल पे दीपक जी, क्या हमें गवर्नर की जरूरत है? चर्चा कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति में आप पर क्या अंकुश होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पे आप अपना फाइनल व्यू देखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति में गवर्नर को एक बताया कि ये कुर्सी एक यूज है इसका के वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को संभालते हैं, इस पे हम लेकिन ये देखा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल श्रवण जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है राजनीति में आप उसको कैसा मानते हैं, क्या वो उचित है या हमारे आने वाले जो समाज है या जो हमारे नेता हैं जो बच्चे हैं या भविष्य है हमारे आने वाला उस पर इसका क्या इफेक्ट जाएगा? श्रवण जी, दीपक जी आपने बिल्कुल सही विषय उठाया, अच्छा विषय है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हम मुंह में राम और बगल में छुरी ये बात ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जो कहावत है कि हम मुंह पे बहुत मीठा बोले, तो राजनीति में भाषा की मर्यादा जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मैं मानता हूँ आचरण को। पॉलिटिकल पार्टियों के जो बड़े नेता है उनको देख करके जो नए लोग है वो सीखते हैं, नए आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो उनको देख के आचरण अपना तय करती है। इसलिए मेरा मानना है, मैं आपको बिल्कुल मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि मेरा मानना है कि आचरण जरूरी है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हमारे संविधान, भारतीय संविधान का जो दायरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो
हमारा प्रावधान है, उस प्रावधानों के तहत आप चलोगे, सरकारें उनके हिसाब से चलाओगे, कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। तो आपकी भाषा हो सकता है थोड़ी बोलने में तल्ख हो सकती है, लेकिन जब आपकी जो नियत साफ है, आपका आचरण ठीक है, आपका उद्देश्य पवित्र है, तो आपकी साख बनेगी लोग जनता के लिए, वो ज्यादा ठीक है। मुंह पे मेरे हिसाब से मीठी बातें करना वो कुछ तात्कालिक आपको ठीक लग सकती है, कुछ ठीक है समय के हिसाब से ठीक है, लेकिन आचरण के अंदर और कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मेरा कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ये श्रवण जी का कहना है। आलोक जी आपका क्या कहना है, फाइनल व्यू आपका क्या है? जी मेरा फाइनल व्यू यही है, अभी शर्मन जी ने कहा कि भाषा की तो कोई बात नहीं है लेकिन आचरण सही होना चाहिए, लेकिन राजनेताओं के लिए क्योंकि जनता देखती है भाषा में भी संयम होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर कल मुख्यमंत्री इस तरह की बातें अगर बोल जाएंगे तो अपराधियों को, जो कि खुद गृह मंत्री है, तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है कि जब राज्यपाल को धक्का दिया जाए तो हम कुछ भी अपराधी थी, इसलिए भाषा में भी संयम जरूरी है। और आप बताएं मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो मारवाड़ की ये कहावत है कि फूटिया लाडू में सबको शेर, तो लड्डू फूटने क्यों दिया, पहले ही संभाल के रखते, समायोजित रखते अपने लोगों को, लाडू फूटने क्यों दिया, फूटे लाडू में सबको शेर वाली बात हो गई है। इसलिए भाषा पर संयम, आचरण में संयम, सारी चीजें आवश्यक है। बिल्कुल, चाहे राजनीति हो चाहे मुख्यमंत्री जी को चाहिए, सभी का भाषा का जो आचरण है वो संयमित होना चाहिए, क्योंकि आपके सालों साल की जो आपकी ख्याति है उसे बनाने में आपको दीपक जी एक साइड कहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ना तो कभी प्रधानमंत्री बने थे ना कभी कहीं राज्यपाल बने थे, फिर भी चाहे कोई भी बनता है उनको नमन करके आता है, उन्हीं राष्ट्रपिता ने पहले ही कह दिया था, उन्होंने लिखा एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस शैल विदर अवे, क्यों लिखा था इस बात पर भी विचार होना चाहिए। वो तो तभी लिख गए थे कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को, क्योंकि वो इसकी मानसिकता से वाकिफ हो चुके थे कि परिवार विषय की मानसिकता आवी रहेगी तब तक असलियत में जनतंत्र की पार्टी नहीं बन पाएगी। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी सभी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपकी वर्षों की मेहनत जो होती है वो लग जाती है आपकी ख्याति बनाने में, आपकी अपनी इज्जत बनाने में, लेकिन वो कुछ शब्दों से आप उसे, सालों की जो मेहनत है उसको कुछ शब्दों से आप अपने जुबान में कड़वा शब्द लाकर खराब कर सकते हैं। इसलिए हमारा निवेदन यही है कि चाहे वो नेता हो, चाहे आम जनता हो, चाहे प्रशासक हो, जो कोई भी हो, वो अपनी भाषा में संयम रखें। और दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें हमारी सलाह दे सकते हैं और आप अपने विषय को भी हमें बता सकते हैं। साथ ही आपसे ये भी निवेदन है कि अभी कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जरूरत होने पर ही आप अपने घरों से निकलें, अपना, अपने परिवार का और पूरे देश का ख्याल रखें। आज के कार्यक्रम में पंचशील जैन साहब आप आए, मोहन केसवानी जी आपका, श्रवण जी आपका और आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी जो दर्शक हैं उनका भी ढेर सारा प्यार जो हमें लगातार मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। दीपक जी आपका और आपकी टीम सिटी लाइव का आभार कि आप हमेशा ज्वलंत विषय को उठाकर जनता के समक्ष लाते हैं, तो उसके लिए भी टीम सिटी लाइव और दीपक गोस्वामी जी आपका भी धन्यवाद। A platform to sharing your thoughts.